जिन्ना कुसै ने पतले होना ना, मैं आखा महीने चार चक्कर लाओ वैष्णो माता। पहले मुझे बताओ कुत्थे गया तेरा रिंग बनाई लिया हूं तो उसी सिंग। सो गाइज अस कटरा पहुंचे हैं और इधर दिखे लगने पिछले गड्डिया पार्क करी ओड़ी हैं और साढ़े पूरे जो श्रद्धालु ने हम जान लगे ने। ठीक है तो हम चलो अगे अगे तो अं दस देना जिधर जुधर जाते आगे तुंदे ने मिलते आगे। सो गाइज इधर देख लो इधर पहाड़ी पर जाना माता रानी ने मिलना है सारे। देखो एरिया देखो अजय तो प्लेन गया अगर देखो कि नजारे आते हैं। सो गाइज अभी आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, मज़ा आ गया यार सुपर। थोड़ी देर के बाद आके हमने अगर अंदर मार्केट में पहुँचाना वहाँ से हमने निकलना। इधर देखो यात्री पूरे, हेलो जय माता दी, जय माता दी, यहो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और साथ साथ में वीडियो एडिट कर रहा हूँ ताकि पीछे वाले वीडियो चढ़ा दूँ और आप सभी देखो। और एक बात और, हम पहुँचने वाले हैं, बड़ा मजा आना, मौसम बहुत अच्छा होने लग गया, लगा कि बारिश बूश नहीं हुई है, बाकी यहो। सो गाइस हूँ पुजे हैं इतने पर्ची काउंटर पर, इतने लैनी पहले सारे पर्चे अपने को, पहले वैष्णो देवी जाना हो पहले टिकट जरूरी है, इतने पर्ची लगने पड़ेगी शिफ्ट बगैरा तो ही बस जाना नहीं होता तो शिफ्ट लैके फिर अगे चलने। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्ची लेने के लिए यहाँ पे पहले फोटो खिंचवाया जाता है, पूरी वेरिफिकेशन होती है फिर आगे जाते हैं, रोहित खिंचवा रही है फोटो, उसके बाद मेल और उसके बाद मेरा नंबर ले ली पर्ची। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे गेट नंबर वन, यहाँ पे पर्ची वगैरह चेक होगी, पर्ची चेक होने के बाद फिर हमने जाना है ऊपर दर्शन करने माता रानी के। देख सकते हैं माता रानी हमें बुला रही है वहाँ पे, कैसे कैसे पहुंचना है पहुंच जाना, बट हमने भाई ये टिकट है जो अभी हमने यहाँ पे चेक करवानी है, चेक करवाने के बाद फिर हमने आगे निकलना। ठीक है ये देखो भाई ये है गेट फर्स्ट और यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी की आरती चल रही है, तो एलसीडी में देखो आरती लगी है। यहाँ पे मम्मा जा रही हैं, रूही जा रही हैं, पीछे मेरे साथ देख सकते हैं सभी यहाँ से आ रहे हैं अभी फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे देख लो भाई कितना रश है, यहाँ पे टिकटें वगैरह चेक होंगी, पूरी चेकिंग होकर फिर अंदर जाएंगे। ये भाई मार्केट देखो, यात्रा स्टार्ट कर दी है गाइस, अभी हमने अभी तो ढलाई है इधर, अगे अगे चढ़ाई है, हम देखो नहीं यार ढलाई चलाई अगे अगे संगते हैं, मैं देखो इंदा गियर चेंज हो जाना, हूँ गियर नंबर पहला पाना पड़ा। बाल गंगा पहुंच गए भाई, दर्शन। सो गाइस देख सकते हैं इधर मम्मी, मम्मी की लाठी और रूही दोनों की हालत आप देख सकते हैं, दोनों थक गए हैं पूरी हालत इनकी, मजा आ रहा है नहीं, मजा आ रहा है, थकान भी बहुत हो रही है, अभी सफर बड़ा लंबा है, सफर माता ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। सो गाइस धीरे धीरे जाएंगे इनके साथ क्योंकि इनके साथ जाने में मजा, पीछे ना रह जाए, सबको साथ लेके जाना है, पीछे वाली टीम का कोई पता नहीं वो कहाँ पे है, दो तीन बंदे आगे चले गए हैं, अब सभी अलग अलग हैं, जो जो मेरे साथ होंगे इनकी वीडियो शूट हो जाएगी। ये देखो सभी एक्साइटेड हैं। चलो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे चरण पादुका फर्स्ट माता रानी ने यहाँ पे पांव लगाए थे, देख सकते हैं प्रथम दर्शन, पहले दर्शन यहाँ से होते हैं। मम्मी देख लो मम्मी थक गई है, इधर केशु बाकी सारे पीछे आ रहे हैं, ये देखो इधर प्रथम पहला दर्शन। तो गाइस रूही गई थकी, दिख लो इधर रूही आखिया मैं घोड़े दो थमला है, फिर कहना पूरी सेटिंग कर ले रही है, मन नहीं है रूही मनिया, मैं आखा भी दो मिनट थमाया घोड़े दो में सी रूही बड़ी स्पीड मारी मार कटराई मार जल्दी आई जल्दी। अरे मन दिया। सो गाइस देख सकते हैं आप सभी रेस्ट करते हुए,
ये हमारी नन्नी सी गुड़िया, देखो देखो कितनी क्यूट है, ये भी दर्शन करने जा रही है माता के। देखो इसका इसका देख लो कैसे पूरा पैक किया इसको। हेलो, थक गए? फौजी साहब नहीं थकते। यहाँ मम्मा इधर देख सकते हैं, मम्मा के लिए पानी भर रही है। तन्नू इधर देखो, देखा तन्नू को इधर नंबर लगाया पानी भरने के लिए। बड़ा ही मुश्किल चल रहा काम। तन्नू जय माता दी, पानी भर रहे हो आप? वेरी गुड, सबको पिलाओ फिर। सुबाई देखी सकने इधर आ कहाँ लगे खीरे खुरे। मैं चाह थोड़ा नया फ्रूट खा लेते, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होती। देखो मैं खीरे खा लेने, कहना फ्रूट खा लेने। देखो पूरा रिफ्रेशमेंट लेते हुए मैं खीरे खा रहा हूँ, फ्रूट खा रहा हूँ जल्दी। सो गाइस टाइम हुआ है 11:30 और मम्मी देखो इनको बसोते बसोते इधर पहुँच गए हैं। और उसके बाद अभी रूही और अनिल भी पीछे रह गए हैं। सारी टीमें अलग अलग हो गई हैं, कोई भी साथ में नहीं है, मैं और मम्मी अकेले बचे हैं। मम्मी ठीक है? पसीना देखो इधर, मज़ा आ गया गाइस। माता के दर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन दिल में निष्ठा होनी चाहिए, हो जाते हैं। और 2-3 साल के बाद आया हूँ मैं भी, और अभी गोरा को लेके आना है हमने। अब आएंगे शादी के बाद ही, क्योंकि शादी से पहले आपको पता अच्छा नहीं लगता। ऐसे घर वाले मना कर रहे थे कि शादी के बाद ही इकट्ठे जाना अच्छा रहता है, तो वो सही बात है। तो माता रानी कब बुलाती है, जल्दी से जल्दी फिर हम सभी आएंगे। दोबारा आप लोगों के साथ भी आऊँगा और आप लोगों को बता दूंगा कि कब हमें आना है। जब भी होगा तो हम सभी इकट्ठे आएंगे, ठीक है? और भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गाइस अभी आप देख सकते हैं इधर सामान जाता हुआ ऊपर, और रूही और अनिल का भी कोई पता नहीं चल रहा कहाँ है। यहाँ पे एक बात अच्छी है कि वो हर जगह शेड चल गया, बारिश का कोई चक्कर नहीं है। नहीं बारिश होनी चाहिए, अभी मौसम ठंडा नहीं है, गर्म है बड़ा। सो गाइस देख सकते हैं आप हाल भी कितनी खराब है। और अभी मम्मी और मैं रेस्ट कर रहे हैं पूरी, मौका मिल गया, रूही और अनिल अभी तक नहीं आए हैं। मम्मी देखो इधर दोनों बसो रहे हैं मजे से। बैग मैंने देखो पीछे डाला हुआ है, पानी की बोतल हमारे साथ है, मम्मी की सोटी साथ में है। मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है यार, लेकिन आप सबको बड़ा मिस कर रहा हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई अगली बार जब भी हम वैष्णो देवी आएंगे ना, गोरा भी साथ में होगी और आप सभी हमारे साथ आना। मैं आपको डेट बता दूंगा पहले, 15-20 दिन पहले बता दूंगा, और सभी इकट्ठे आएंगे यार, बड़ा मज़ा आता है जब साथ हुआ ना। लेकिन जो आगे पीछे वाले हैं अभी सारे गुम हो गए हैं। तो गाइस हम पहुंचे अर्धकुंवारी से, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे चेक पोस्ट है, और यहाँ पे बैग वगैरह चेक होते हैं। लेडीज़ की लाइन छोटी थी, इसलिए मम्मी और रूही को हमने ना बैग दे दिए और वो जल्दी आ गए। और जेंट्स की लाइन लंबी थी, हम खाली खाली बंदा जा सकता है, जो लेडीज़ है ना वहाँ पर उनकी लाइन कम थी, इसलिए हमने बैग उनको दे दिया, वो जल्दी आ गए बाहर। और पीछे जेंट्स की लाइन देख लो, जिनके पास बैग है उनको तो भाई वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिमाग की बत्ती चलानी पड़ती है तभी आप जल्दी आ सकते हो, नहीं तो भाई लाइन में फंसे रहोगे। देखो आगे ना, नहीं तो अगर जेंट्स में हम लाइन में लगते बैग लेके तो अभी तक तो पीछे होना था। सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी में, आधे दर्शन मतलब आधा रास्ता हमने कवर कर लिया। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, अभी यहाँ पे हमने लंच खाई उठा उन्हें। अब गाइस अभी डिनर और ब्रेकफास्ट आधी आधी, क्योंकि टाइम पूरे एग्जैक्ट 12 बजे हैं, 3 घंटे में पहुंच गया। मम्मी को देखो, मम्मी को होश अभी आ रही है, इनको कुछ खाना खुना खिलाते हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे कोई आधा घंटा, फिर यहाँ से निकलना है। फिर 4 बजे तक कोशिश करेंगे वहाँ ऊपर दरबार में पहुँचने की, सुबह सुबह के टाइम दर्शन करने हैं, ठीक है? रूही चलो कि खा लें फिर। देखा ना पिछली वीडियो में कितना जोश था, अभी कहाँ गया, खत्म। अब इनको कुछ खिलाते हैं उसके बाद होश आएगी। देखो हेलो ब्रो, सबको लगी है भूख, मैंने सोचा खा लेते हैं। देखो मिक्स 3-4 सब्जियां, टेस्ट किसी का नहीं इतना अच्छा, लेकिन फिर भी भूख लगी, खाना पड़ेगा। मैंने राजमा चावल लिए, इधर देखो ये रोटी है ना, रोटी जो ये वाली, ये गरम गरम ही खाई जाती है, ठंडी होगी तो चापनी को ना। मेरे को पूड़ियाँ खाने का मन था लेकिन यहाँ मिली नहीं, आगे आगे देखता हूँ, अगर मिलती है तो एक प्लेट मैंने वो खानी है, वो मैं जरूर खाता हूँ कहीं भी जाऊँ।
खाके फिर हमने निकलना, ठीक है। फोन मैंने चार्ज कर दिया, यहाँ चार्ज मिल गया। देख सकते हैं आप, ये है अर्ध कुंवारी, दुनिया देखो कैसे सोई हुई है पूरी, क्या माता की आरती चल रही है। और अभी हमने जाना दूसरे रास्ते, अर्ध कुंवारी से जो रास्ता भवन को जाता है, ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ वे टू भवन। यहाँ पे लोग देख सकते कैसे सोए हुए हैं। माता के बीच में डिस्प्ले चल रही है पूरी। हालिया पेट पूरा फुल हो गया, अब तो बिल्कुल भी हिले नहीं जा रहा, पर जाना है, पर ब्रेक ऊपर जाके लगेगी वहाँ के भवन जाके। मज़ा आ रहा है, थक भी गए हैं, बट नहीं, हिम्मत नहीं आ रही है वहाँ तक, मस्त होके जाना है। गाइस अभी देख सकते हैं, ये है कटरा, अर्ध कुंवारी के ऊपर से वीडियो शूट करो, कटरा की रौनक देखा है, कितना प्यारा लग रहा है। देखा, ये है कटरा नीचे, यहाँ से हम आए हैं। और अभी देखो यहाँ पे भाई बड़ी टलाई है, देखो कि मजे ने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद गियर चेंज हो गया ना सारे। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं वहाँ के भवन, बस देख लो यहाँ से वो सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है, धीरे धीरे जा रहे हैं, क्राउड बहुत है इधर, देख सकते हैं आप। दर्शन कर लेना माता रानी दे, जिया माता दी तुआई, सारे सवेरे बजे 4:30, ठीक है, ताहे सवा 4 बजे ने दर्शन कर लेना। और इधर देख लो पीछे पूरी टीम, इधर देखो, इधर देखो, मम्मी जी तो कोई हालत नहीं है, मम्मी लगा इन्हें कोई चाय शाय पिलाई है, इन्हें थल पजाना पौना, नहीं तो आटो जाटो करो, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है नहीं। आंटी ठीक हो? आंटी फिट है भैया, आंटी इन्हें स्लिम डलिम, जिन्ना कुछ ने पतले होना ना, मैं आखा महीने चार चक्कर लाओ वैष्णो माता है, पूरी मैं सोचा था ये फैट घट जाने, लिख लो मम्मी बोलो कैसे, जय माता ही बोल लो, जय माता की। मम्मी कैसा लग रहा है, कभी कभी तुम्हें सारे पा लगी होना, जय माता ही बोलने की कंडीशन नहीं है। मम्मी पूछ कैसा लग रहा है, मम्मी दोबारा आना या नहीं आना, चलो इंदी भी इच्छा पूरी की, अगली बार जहाजा बना, ठीक है नी, घोड़े घाड़े पर बैठना इंदे बस बिच नहीं है, तो पालकी जी मुश्किल हो जाए, जहाज बनाना सीधे इतना उतरना, नेक्स्ट टाइम जहाज बना, ठीक है। बाकी बड़ा अच्छे दर्शन हुई, प्रसाद मिली है, खाता है, खड़ोइए दर्शन कितने, चाचू चूची उत्था ही, लेकिन अस रोंग साइड चली दे, दो पंडित होंगे ने दूसरी साइड चले, बट फिर भी उन्हें बहुत अच्छे दर्शन कराए, और सारी टीम इतने बैठी है, थोड़ी देर बाद निकलना, बाकी सारे चली गए अगे पिछे, कोई जेड़ा बंदा लब्भा उसी बिठा लिया, अपने बाकी सारे अगे पिछे ने। हम दर्शन करके जा रहे हैं वापिस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी आगे आ गया है, रुके नहीं वहाँ पे क्योंकि जल्दी पहुँचना था, इसलिए वहाँ का सीन आपको नहीं दिखा पाया, हम काफी ज्यादा पीछे थे, इसलिए अब जा रहे हैं वापस जल्दी से, कटरा पहुंच के गाड़ी में रेस्ट करेंगे। पहुंच चुके हैं हेमकुंट में वापस, और भूख लगी थी, सोचा खाना नीचे जाके खाते हैं, ब्रेकफास्ट नीचे जाके करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा चाय वगैरह कुछ पी लेते हैं। और अभी देखो इधर इनकी हालत देख सकते हैं, हम चाय बिस्किट खा लेते हैं, उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। ये फौजी बंदे भाई, ये नहीं थकते, ये बोल रहे हैं आप, अगर मैं फौज में होता अभी मेरी पीटी चल रही होती, चल रही है पीटी 5:30 बजे पीटी चल रही है, तो ये थोड़ा बारा व्यू दसना, चाय टेस्ट है, बहुत टेस्ट है, बड़ी टेस्ट है, लेकिन इला चाय भी इला अमृत चला है साड़ी रूही बेहोश होने वाली। सो गाइस रोटी राटी अपनी खाओ तो बेस्ट है, अहें इधर खाइए दिख ले, कोई मज़ा नहीं आया, और कॉफ़ी जी पीती ना अहें इतने, मतलब कॉफ़ी भी भाई कॉफी के नाम पर बेचती है, लेकिन इतने जी हेमकोट पीए ना, देखो माता वैष्णो देवी थोड़ा ना बैटर है, चाय बैटर है, लेकिन अस जो नेस्कैफे वगैरह अगर लगे होंगे काउंटर से, कोई मजा नहीं है, फिर पैसे नाश है, क्वालिटी 0, तो बैटर कुछ खाने वाला अपने कन्ने रखो, बेस्ट है। देखो बेचनी डिग्गी पे गिला होई दा गिला, गाइस बेचारे खान लगन, तो अगर अगर चाय चकड़म होई जा,
गाइस तो सूखा सूखा बिस्किट खाओ, ये नहीं डिगना। हेलो प्रियंका, हेलो रोहित, वेलकम। प्रियंका किधर गया थे तेरा खुद, एक मिनट पहले मुझे बताओ कुछ है क्या तेरा रिंग बनाई लिया तो सिंग नहीं तो है अपनी इन्नी स्पीड बिच गए तो अपना मम्मी लेके जाना होगा